बड़वानी में हरियाणा और देश का मान बढ़ा चुके पहलवान योगेश्वर दत्त डीएसपी पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। योगेश्वर दत्त बीजेपी से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने बताया कि योगेश्वर दत्त उनसे आकर मिले हैं। उन्होंने कहा कि योगेश्वर दत्त डीएसपी पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होंगे। वहीं बराला ने कहा कि सभी लोग बिना किसी शर्त के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बता दें, योगेश्वर दत्त ने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा वे पद्मश्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। योगेश्वर दत्त ने 2014 के कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। बताया जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों के नाम तय कर देगी। अंतिम मुहर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पर छोड़ दिया जाएगा। 29 सितंबर को लिस्ट घोषित होने की संभावना है, तो वहीं 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 24 को परिणाम आएगा। ऐसे में अब समय कम बचा है, इसलिए प्रत्याशियों की सूची फाइनल करने के लिए मंथन जारी है। न्यूज़ डेस्क।